बाबा कहते हैं कि माया दे अभिमान में लाके विकर्म कराती है, तो अगर विकर्माजीत बनना है तो प्रतिज्ञा ये होनी चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई है। प्रतिज्ञा ऐसी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मुझे एक भाई पूछते थे, दीदी मुझे एक मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जज नहीं करना, लेकिन मैं 10 वर्ष से ज्ञान में हूँ, लेकिन इस सवाल को बस उत्तर देना, ये नहीं सोचना कि ये सवाल क्यों पूछ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है पूछो। तो कहते सब कहते बाबा मिला, बाबा मिला, बाबा मिला तो सब कुछ। बाबा मिला तो क्या, बाबा मिला पर सब कुछ मिलना चाहिए ना। अगर सब कुछ नहीं मिला, बाबा मिला तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो वो कहता है कि मैं किसी को कहने में भी अच्छा नहीं लगता कि बाबा मिला तो क्या, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि बाबा मिला फिर भी हम स्ट्रगल करें, बाबा मिला फिर भी बातें आए, बाबा मिला फिर भी सब हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर बाबा मिला तो क्या हो गया, है ना। तो ये जो बात है ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भक्ति में इतने जन्मों तक बाबा को एक साधन समझते आए हैं, है ना, कि बाबा से मुझे हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, प्रोस्पेरिटी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन भगवान मिले नहीं पता। और अभी से अगर 50 वर्ष पहले भी देखो तो ईश्वरीय प्राप्ति बड़ी प्राप्ति समझी जाती थी, लेकिन फिर ईश्वरीय प्राप्ति में भी ये हो गया कि साक्षात्कार हो जाए, कोई अनुभव हो जाए। कल किसी ने फ़ोन किया था, आप लोग एस्ट्रल ट्रैवल कराते हैं, तो मैंने कहा कराते तो हैं लेकिन हमारा तरीका अपना है। माना ऐसा नहीं है कि जो आप सोच कराएंगे वैसा कराएंगे, लेकिन हाँ हम आपको परमधाम की यात्रा ज़रूर कराएंगे। तो कहते कि नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल जो क्या जो एस्ट्रल ट्रैवल है वो कराते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बाकी आप समझाएंगे तो कहते वो तो मुझे पता नहीं है ना कि क्या है। तो आप सोचो कि ये होता है कि हम सोचते हैं कि दुनिया में कई प्रकार की इच्छाएं तृष्णाएं होती हैं, जैसे एक तरफ कहेंगे कि वस्तु व्यक्ति वैभव का सुख मिले, या कहेंगे कि हेल्थ मिले, या फिर कहीं पर कहेंगे कि हमें कोई साक्षात्कार हो जाए, या इस प्रकार की एस्ट्रल ट्रैवल ये वो है ना, या कई बार कहेंगे कि हम किसी के मन की बातें पढ़ सकें, हमारे को कोई सिद्धि मिल जाए। तो इस प्रकार की कई आस मनुष्य रखता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वस्तु व्यक्ति वैभव। कई ऐसे होते हैं संन्यास ले लेते हैं, घर बार छोड़कर चले जाते हैं, पर क्या आस नहीं होती है? आस तो वहाँ भी होती है कि हमें कोई सिद्धि मिले, है ना, हम किसी को कुछ कहें तो हो जाए, मना कर दे तो ना हो, इस प्रकार की बातें भी होती हैं। तो परमात्मा के मिलने से हम हमेशा सोचते हैं कि उनके द्वारा जो मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें समझ देते हैं, अनुभव देते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा संसार ही शिव बाबा है। बाबा कहते हैं संसार, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, माना शिव बाबा ही मेरा संसार है। संसार में संबंध और प्राप्तियाँ दोनों होती हैं, है ना। तो मुझे सर्व संबंध का सुख एक बाबा से मिलता है, मेरी सर्व प्राप्तियाँ एक बाबा से हैं। और ये जो प्रतिज्ञा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ओनली शिव बाबा मैटर्स, है ना, जब सिर्फ शिव बाबा मायने रखता है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता, तब हम विकर्माजीत बनेंगे। अब सिर्फ शिव बाबा मायने रखने का अर्थ क्या है वो हमें समझना है। तो
जब हम दुनिया में क्या बात होती है जो माया हमें विकर्म कराती है, तो जिसको हम कहते हैं मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु, सुख दुख, सर्दी गर्मी, है ना, इन बातों में माया हमें उलझा देती है, इन बातों में हम उलझते हैं, और यहाँ पे शुरू होती है नेगेटिविटी, है ना, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं, मान को प्रेफर करते हैं, अपमान को हम पसंद नहीं करते, या हम निंदा को नहीं पसंद करते, स्तुति प्रेफर करते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं जहाँ स्तुति है वहाँ बाबा है, जहाँ मान है वहाँ बाबा है, लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं और तुम हो तो फिर मान अपमान, निंदा स्तुति मैटर नहीं करते। लेकिन प्रश्न ये है, कैसे पता चले कि मैं और बाबा साथ हैं या नहीं है, है ना? तो जब तक मैं श्रीमत पर हूँ तब तक बाबा मेरे साथ है, जहाँ मैं श्रीमत का उल्लंघन करता हूँ वहाँ बाबा मेरे पास नहीं है। बाबा कहते हैं ना, या तो बाप होगा या पाप होगा, जहाँ पाप होता वहाँ बाप, है ना, चला जाता। तो अब ये चीज़ हर ब्राह्मण बच्चा फील भी करता है, सिर्फ जानने की बात नहीं है। जब हमसे कोई पाप होता है जो हमें अब समझ मिल गई है, इन हमें एक क्या कहें, हमारी जो बुद्धि है उसमें शक्ति आ गई है उस पाप को पहचानने की। पहले तो हम मोरालिटी के हिसाब से पाप पुण्य समझते थे ना, लेकिन आप ये बात जानते हो कि नहीं, मोरालिटी में भी पाप पुण्य होता है। जैसे पहले पाप पुण्य की भी, जैसे एक बच्चा है, मुझे 10 इयर्स का अराउंड है, तो उसने मुझे कहा कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने कहा पूछो, तो कहते हैं मम्मी ना बहुत मुझे रोज़ कहती है कि खाना वेस्ट नहीं करो, खाना वेस्ट नहीं करो, तो जब मैं टिफ़िन खाता हूँ तो उसमें अगर मैं कुछ पसंद नहीं आया तो फेंक देता हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है अंदर और डर लगता है, तो ऐसे क्यों होता है? तो मैंने कहा कि वो मम्मी ने कहा है ना, तो इसीलिए, और वो बुरा कर्म है ना, क्योंकि वेस्टेज होती है तो बुरा कर्म है। लेकिन आप देखो कि यही जो चीज़ है, जब हम किसी पतित की इच्छा को पूरा नहीं करते तो भी हमें बुरा लगता है, तो हमें बुरे कर्म में भी दिल खाती है, और जो हमारी कंडीशनिंग है उसके कारण भी दिल खाती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बुरा कर्म से ही दिल खाए। जैसे कोई कहता है कि अगर विकारी मार्ग में कोई ले जाना चाहता है और हम नहीं जा रहे और उनकी दिल को दर्द हो रहा है ना, जैसे छोटी सी बात है, माताएं बहुत दुखी हो जाती हैं जब बच्चे पवित्र भोजन या पवित्र जीवन चुनते हैं, तो फिर कहेंगे आपके हाथ का भोजन नहीं खा सकते, आप कोर्स करो पहले या क्लास करो, तो फिर वो बहुत दुखी होते हैं। तो कई बार ऐसे भी अंदर दिल में आता है कि पता नहीं, बाबा कहते हैं दुख मत दो, तो इनको जो दुख हो रहा है उससे मुझे कोई आहत तो नहीं लग जाएगी। तो ये भी क्या है, ये मोरालिटी है कि हम समझते हैं कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन श्रीमत और मोरालिटी में भी हमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो टॉपिक है कि ये जो कॉन्शियंस बाइट करती है, ये दोनों वजह से करती है, एक होती है कि मोरालिटी की वजह से भी कॉन्शियंस बाइट करती है, दूसरा होता है कि कॉन्शियंस रियली पाप में भी बाइट करती है ना। इसीलिए जब हम बाबा के पास आते हैं तो जैसे हमारा शुद्धिकरण होता है ना सारा, तो हमारे कॉन्शियंस की भी जो फंक्शनैलिटी है वो रिस्टोर होती है। दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ़ यू गो अगेंस्ट योर कॉन्शियंस मैनी टाइम्स इट लूजेस फंक्शनैलिटी, है ना, तो अगर आप अपने विवेक के विपरीत बार बार जाते हैं, तो जैसे GPS होता है ना, GPS आपको बार बार कहता है टेक लेफ्ट टेक लेफ्ट टेक लेफ्ट, आप टेक लेफ्ट की जगह राइट ले रहे हो, तो अच्छा
राइट देन टेक लेफ्ट, है ना, फिर उसके बाद फिर टेक लेफ्ट, फिर उसके बाद वो अपना रास्ता ही बदल देता है, कहता पता नहीं कहीं और ही जा रहे, फिर वो भी उसी ट्रैक पे चलने लगता है, जैसे आप जाएंगे बार बार वो उस हिसाब से रीराउट होता रहता है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कॉन्शियंस था ना हमारा, जो पाप पुण्य का अंतर समझता था, वो धीरे धीरे मनुष्य मत से खराब हो जाता है, और रहता तो है अभी भी, व्यक्ति को सब कुछ फील होता है, गिल्टी फील होता है, बुरा फील होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो मोरालिटी मनुष्य मत के हिसाब से होने लगता है ना। जैसे कि किसी ने बुलाया हम शादी पे नहीं गए, किसी ने बुलाया इस पे नहीं गए, तो दिल खाती है ना, क्योंकि सोचेंगे कि नहीं उनको बुरा लगा होगा, लेकिन बात ये नहीं है कि वहाँ कोई बुरे लगने की बात है। फिर अगर आपकी मोरालिटी में ये है कि दुख में नहीं गए तो बुरा लगना चाहिए, सुख में नहीं गए तो इट इज़ ओके, तो फिर आपको दुख में नहीं गए तो बुरा लगेगा, सुख में नहीं गए तो कुछ बुरा नहीं लगेगा, कहेंगे कोई बात नहीं सुख का अवसर था ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, सुख में तो वैसे भी कहा जाता है कि कोई नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये क्या आप भी कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे, क्योंकि आपकी कॉन्शियंस के अंदर, जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम में बहुत सारी मनुष्य मत है, ऐसे हमारा कॉन्शियंस भी जो रावण राज्य में डिसफंक्शनल हो जाता है, लेकिन जब बाबा हमें मिलते हैं, इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं, रेस्टोरर ऑफ कॉन्शियंस, है ना, क्रिश्चियनिटी में बाबा को कहते हैं रेस्टोरर ऑफ कॉन्शियंस, और हिंदुइज्म में कहते हैं बुद्धिवानों की बुद्धि, है ना। तो बुद्धि जिसको हम लोग हिंदी में कॉन्शियंस इज बुद्धि, है ना, बुद्धि को, बुद्धि इज़ अ वेरी डाइसी वर्ड, क्योंकि बुद्धि को बहुत सारी चीज़ें, बुद्धि एक शब्द में आ जाती है, लेकिन बुद्धि मतलब कॉन्शियंस भी होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा जब हमें मिलते हैं, तो हमारे को बाबा श्रीमत मनुष्य मत सबका अंतर बताते हैं। फिर धीरे धीरे हम जब श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा का के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो हमारा कॉन्शियंस रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर होना मतलब फिर वो उन चीज़ों में बाइट करता है जहाँ एक्चुअली पाप बन रहा होता है ना पहले, और वहाँ बाइट करना बंद कर देता है जहाँ पाप नहीं बन रहा होता है। तो श्रीमत प्रमाण फिर हमारा कॉन्शियंस जो है वो फंक्शनल होने लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम अच्छे ब्राह्मण बन जाते हो ना, जब तुम्हारे ये अंदर की करेक्शन हो जाती है, तो ऑटोमेटिक जैसे ही तुम विकर्म करोगे, तुम्हें शिव बाबा से दूरी महसूस होगी, तुम्हारी दिल बता देगी कि ये विकर्म है। आजकल मुझे याद है, मैं जब ज्ञान में आई ना, तो मैं बात करती थी ना, तो मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ मैंने ये बात की, ये लाइन क्रॉस हो गई, या ये बात मैंने कही यहाँ, ये ठीक नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञान आगे गई, तो मुझे अब समझ आता है, माना रिएक्शन से नहीं, रेस्पॉन्स से नहीं, अंदर से समझ में आता है यहाँ लाइन क्रॉस हुई, ये ज़्यादा हो गया। मैं आपको एक इंसिडेंट, बहुत सटल इंसिडेंट है, मैं एक बार 5-6 वर्ष पहले की बात है, तो एक भाई आते थे, तो वो कोर्स वोर्स किए, फिर उसके बाद वो आए नहीं। तो मैं एक दिन मेट्रो से आ रही थी वापस ऑफिस से, तो मैं थोड़ी डिसओरिएंटेड थी उस दिन, होता है ना कभी कभी आप थोड़ा इतना प्रेजेंट माइंड में नहीं होते, तो मैं थोड़ी डिसओरिएंटेड थी, और वो मुझे अचानक मिल गए, तो मैं जैसे उतरी तो वो मुझे मिल गए। तो जैसे वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने मैंने उनको देखा, और फिर मैंने कहा अच्छा आप आजकल आते नहीं हैं और ऐसा, लेकिन मुझे ना पता चला कि क्योंकि मैं अपने सेंस में नहीं थी, तो मैंने शायद उनको एक कंप्लेन कर दी कि आप आते नहीं, माना उस टोन में कंप्लेन थी, इट वॉज
एक होता है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि आप आया करें, एक होता है थोड़ा आपकी वो अंदर कंप्लेन आ गई। तो जैसे ही मैंने उनको बोला ना, मुझे फील हुआ कि यहाँ पर ये गलत हो गया। तो फिर मैं निकल आई। फिर मैंने रात को ऐसे 8 बजे अराउंड हुए थे, तो मैंने जैसे व्हाट्सएप खोला तो वो टाइपिंग टाइपिंग उनका चल रहा था। तो मुझे पता चला कि इनके संकल्प चल रहे हैं। तो मैंने उनको फिर एक मैसेज तभी लिखा कि एक्चुअली व्हेन आई मेट यू आई वाज नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। मैं थोड़ी डिसओरिएंटेड थी, मेरे को चक्कर आ रहे थे और मैं मेट्रो में चढ़ गई थी। तो मैं जब आपसे मिली, आई आई जस्ट स्पोक एंड आई थॉट द वाइब्रेशन वॉज रॉन्ग। तो जैसे ही मैंने उनको मैसेज भेजा, तो उधर से वो जो टाइपिंग टाइपिंग चल रहा था, तो उन्होंने का मैसेज आया कि दीदी आप मुझसे नाराज़ हो क्या? तो वो जो एक्सचेंज था, तो फिर मेरा मैसेज भी चला गया था। फिर उनसे मैंने फ़ोन पे बात की, फिर वो बात ठीक हो गई। तो ये बात मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि जब हम बाबा के बन जाते हैं और ये चीज़ धीरे धीरे हमारे जो अंदर की वो महसूसता की शक्ति या परख शक्ति वो बढ़ती जाती है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आप कब दुख देना, दुख ना देना, है ना? जैसे व्यक्ति पूछता है ना, दुख देना क्या होता है, दुख ना देना क्या होता है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कब आपने दुख दिया, कब आपने दुख नहीं दिया। ये बातें कोई रूल बेस्ड नहीं है। नहीं नहीं गलत अकॉर्डिंग टू मोरालिटी और गलत अकॉर्डिंग टू श्रीमत, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ ना, पहले भी महसूसता होती है, ऐसे नहीं कि महसूसता नहीं होती, पर मोरालिटी के अकॉर्डिंगली होती है। हाँ नहीं, और खुद को भी वो जस्टिफिकेशन क्यों दे पाते हैं, क्योंकि आप भी गलत समाज के हिसाब से कह रहे हैं। तो आप कहते हैं समाज के हिसाब से तो वो भी गलत कर रहे हैं, तो टिट फॉर टैट इज़ ओके, है ना? लेकिन इस चीज़ को जब हम शिव बाबा के पास आते हैं, तो हमें ये भी समझ में आता है कि जो हम पाप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसमें मैं अगर कहूँ कि वो 10 कर रहा है, मैं 1 कर रहा हूँ, तो भी मेरा 1 का मुझे मिलेगा, है ना? वो 10 मिले, उसको ज़्यादा मिले, कम मिले, उससे मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा पाप मेरा बनेगा, मुझे ये नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं ये जो मेरा तो एक शिव बाबा, समटाइम्स इट कोइंसाइड्स विद श्रीमद, समटाइम्स डजेंट, ना? एंड मेनी अ टाइम्स डजेंट मे बी, क्योंकि अभी जैसे हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये समझ मिली, अब मोरालिटी में क्या है कि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, है ना? या द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, बट द एंड डजेंट जस्टिफाई द मीन्स, है ना? यू गेट एंड ठीक है, पर मीन्स में भी जो आपने किया है वो भी सामने आएगा, है ना? तो ये सारी जो दुनिया की मत है, इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मत है जो दुनिया वाले कहते हैं ना, कि जो अंत में अगर आपको सफलता मिल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे किया, बाय हुक और बाय क्रूक। नहीं, बाय हुक और बाय क्रूक नहीं चलता, है ना? बाय हुक और बाय क्रूक यू विल बी ऑन द हुक, ठीक है? तो इसीलिए ये जो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप मुरली सुनेंगे, क्योंकि रोज़ श्रीमद से क्लैरिटी मिलती है और फिर उस पर मनन चिंतन करके बुद्धि की ट्वीकिंग होती रहती है, फिर हम वो राइट आपने सुन देखा है ना, बुद्धि का चित्र क्या है हमारा? हाँ, तराजू, है ना? तो तराजू का जो कांटा है वो टिल्टेड होता है, फिर जैसे जैसे वो हम श्रीमत के अनुसार चलते जाते हैं, वो तराजू का कांटा स्ट्रेट होता है। तो व्हेन यू जब आप बैलेंस वे करते हैं, ये हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, राइट है रॉन्ग है, तो वो आपको राइट रॉन्ग ठीक पता चलता है फिर। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई माना, मुझे सिर्फ इस बात से अल्टीमेटली मतलब है
कि मैं बाबा से नज़दीक फील कर रहा हूँ या दूर, है ना। और अगर ये आपका टेस्टिंग रॉड है कि मैं वो तो नहीं कर रहा जो मुझे बाबा से दूर लेकर जा रहा है, या वो कर रहा हूँ जो बाबा के नज़दीक मुझे रख रहा है, तो अगर ये आप रखेंगे ना अपना टेस्टिंग रॉड, तो फिर आपको कर्म विकर्म की समझ या चॉइस या परख बहुत अच्छी हो जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। क्योंकि मनुष्य आत्मा क्या करती है, कभी दो गुणों को लड़ा देगी, कभी एक अवगुण और गुण को लड़ा देगी, कभी दो अवगुणों को लड़ा देगी, है ना। और फिर कहेगी अब बताओ क्या राइट है ना। जैसे दो गुणों को लड़ा देगी कि एक तरफ बाबा कहते हैं सेवा करो, दूसरी तरफ कहते हैं याद करो, है ना। तो कहेंगे अब याद करने और सेवा करने में आप कंपटीशन हो रहा है ना। तो अब याद ज़्यादा करें या सेवा ज़्यादा करें। तो इस प्रकार से भी अपने आप को हम जैसे बहकाते हैं कि मैं ये ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही। लेकिन अगर आप अपना जो टेस्टिंग रॉड है वो ये रखते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरा बाबा के साथ रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि मैं याद करने या सेवा करने नहीं आया, मैं बाबा का बनने आया हूँ। मुझे वर्षा किससे मिलेगा, याद से या सेवा से? बाबा से मुझे वर्षा मिलेगा, बाबा से, है ना। तो और बाबा की श्रीमत पर चलने से बाबा के साथ मेरा रिलेशनशिप बेटर होना चाहिए। मुझे अंदर शक्ति का, शांति का, बाबा के साथ निकटता का अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो माना कहीं ना कहीं मेरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना। कहीं ना कहीं हम किसी और जोन में जाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए देह अभिमान है या नहीं है, क्योंकि सब कहते हैं देह अभिमान नहीं है। अभी मैं आपको पूछूं देह अभिमान है तो कहें हाँ दीदी सबको है, सबको है माना मुझे नहीं है, ठीक है। तो देह अभिमान है या नहीं, उसकी परख क्या है कि बाबा के साथ मुझे नज़दीकी फील होती है या नहीं। क्योंकि जब आत्मा सोल कॉन्शियस है तो कनेक्शन विद बाबा बहुत अच्छा होगा। और कनेक्शन विद बाबा मतलब बाबा कैसा है, बिंदु अवस्था और सिंधु जैसा दिल भरपूर। तो जब बाबा से कनेक्शन अच्छा है तो मेरे कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगी, सिर्फ नेसेसरी थॉट्स चलेंगे, है ना। और मेरी जो अवस्था है वो शांति, शक्ति, स्नेह से भरपूर होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो शिव बाबा को, एक शिव बाबा दूसरा न कोई करके चलते ना, वो विकर्माजीत बन पाते हैं। नहीं तो माया कहीं ना कहीं आपको मान अपमान हानि लाभ के चक्कर में ले आएगी। अपमान क्या है कि मैं बाबा की दिल के नज़दीक रहूं, अपमान क्या है बाबा के दिल से उतर जाऊं। स्तुति क्या है कि बाबा मुझे, जब बाबा के मीठे बच्चे तो मुझे लगे मेरे लिए कह रहा है ना। और अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को आज मीठा बच्चा तो नहीं कह रहा होगा तो वो है निंदा, है ना। तो बाबा कहते हैं हर मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, सब कुछ बाबा से जुड़ा हुआ है और किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि दुनिया में वैसे भी सब कुछ टेम्पररी है, आप कितना भी सोचें कि हमेशा लाभ हो, नहीं होगा। हाँ जी, बाबा से याद की बात करें, कई बार हम योग करते करते बाबा उधर लाचारी याद नहीं करते नहीं, तो क्या लाचारी इमोशनल याद, देखो बाबा कहते हैं लाचारी याद का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर याद दिल से नहीं हो रही तो लाचारी भी बैठो, फिर उसके बाद धीरे धीरे दिल की याद होगी। हो या नहीं तो भी लाचारी याद नहीं। नहीं, इमोशनल बाबा के लिए नहीं होते हम। इमोशनल तो हम अपनी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे होते हैं ना। जैसे मैं कईयों को देखती हूँ कि भक्ति में भी रोते रोते, है ना, आरती गाते हैं या कुछ, तो वो कोई भगवान को याद करके थोड़ी रो रहे होते हैं। किस लिए रो रहे होते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये दुख मिल गया, या अभी आप साथ हैं, वो कह कह के भी रोते रहते हैं कि बुरा तो चल रहा है लेकिन फिर भी आप साथ हैं। तो ये जो इमोशनल होते हैं ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण होते हैं। हमारी पेशेंट भी होगी,
नहीं नहीं हम जब इमोशनल कहते हैं वी डोंट टॉक अबाउट पॉजिटिव इमोशंस. द वर्ड इमोशनल जनरली ओनली रिफर्स टू नेगेटिव इमोशंस. मतलब वैसे तो इमोशंस तो होते हैं, लेकिन जैसे अभी शांति, प्योरिटी, खुशी, आनंद, शक्ति, इसको हम इमोशंस नहीं कहते, इसको हम फीलिंग्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि डिस्टिंक्शन करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में जब हम इमोशनल कहते हैं तो उसका वो पूरी रेंज नेगेटिव इमोशंस की होती है. ठीक है. और फिर आज प्यारे बाबा हमें क्या कहते हैं कि राजयोग और हठ योग का अंतर. बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ. अब मैं आपको एक इसमें बढ़िया बात बताती हूँ. योगा की जो मुझे नहीं पता अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे जो बुकलेट रिलीज़ होती है उसका क्या है, लेकिन जो फर्स्ट बुकलेट रिलीज़ हुई थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे, तो उसमें एक सीक्वेंस था कि यहाँ से योगा इन्होंने सिखाया, उन्होंने सिखाया. तो उस सीक्वेंस में फर्स्ट योग शिव ने सिखाया, ये उस योगा बुकलेट में भी था, है ना. और वैसे भी आदि योगी आजकल बहुत फेमस एक टर्म शिव बाबा के लिए चलता है. तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी इस प्रकार से कहते हैं कि शिव ने योग सिखाया, लेकिन फिर कहीं कहीं कहते हैं कि जैसे गीता की बात आती है तो श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया, क्योंकि गीता में ही राजयोग का शब्द आता है. तो बाबा कहते हैं नहीं, मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ. शिव बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं. और ऐसा नहीं है कि गीता में राजयोग की परिभाषा नहीं है या प्राप्ति की बात नहीं है, क्योंकि जब गीता में राजयोग की परिभाषा आती है तो उन्होंने भी सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज यही कहा है ना, कि तुम देह सहित देह के सब धर्मों को भूलोगे, मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा. यही गीता के वचन भी हैं. और फिर राजाओं का राजा बनाऊंगा, वो राजयोग है. ये बात गीता में भी आती है. लेकिन बाबा कहते हैं कि गीता पढ़ने से कोई ये नहीं सीख जाता कि सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर विकर्म कैसे विनाश करे. क्योंकि जब हम समझते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़, मेरी शरण में आओ, तो वहाँ कोई आत्मा बनने की बात नहीं होती. वहाँ तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में ही श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं. तो बाबा कहते हैं इसीलिए वो जो पापों से मुक्त होने वाला जो सारा क्या कहें जो प्राप्ति थी वो नहीं होती राजयोग से. तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ. राजयोग माना वो विधि. देखो सबसे पहले तो बाबा हमें ये सिखाते हैं कि तुम इस दुनिया को यहाँ अनुभव करते हो. कभी पता था हमें पहले? पहले तो मैं जब मेरे को पहली बार पता चला तो मैं 10 दिन यही सोचती रही बाहर है कि अंदर है. ये एक्चुअली तो अंदर तो नहीं है, बाहर ही है ना. फिर कितनी थोड़ी सूक्ष्मता में जाने से वो बैठता है कि एक्चुअली अंदर है. देखो अभी एक बहन आई थी तो उसको ना कुछ हो गया, कोई मेरे को उसकी इलनेस का नाम ठीक से याद नहीं, कुछ मेनिंजाइटिस कुछ हो गया. तो वो होने के बाद उसको शरीर में काफ़ी कॉन्वल्शंस और ऐसे हुए. उसके बाद उसकी आंखें चली गई हैं अभी, है ना. तो कन्या है छोटी सी. तो उससे उसकी मदर आती है तो बात कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि जब उसकी आंखें चली गई, जब उसका शरीर भी हर प्रकार से ये हो गया, तो कहती कि दीदी मेमोरी ना एक तरह से ख़त्म हो गई है, मतलब लेकिन आदतें वही हैं. माना
जो आदतें वही हैं और जो एटीट्यूड है वो सब वही है। तो ब्रेन में कितनी भी तकलीफ आती है ना, तो संस्कार काम करते हैं, वो उसकी माँ ने मुझे बताया। और जब वो आई थी कन्या, तो मैंने उसको पूछा कि हम सब कुछ अंदर सब देखते हैं या बाहर देखते हैं, तो बहुत हंसी कहती कि अंदर ही देखते हैं, अब बाहर तो दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको देख सकती हूँ, मैं आपको सुनती हूँ, तो मैं समझ पा रही हूँ। तो आप देखो कि बाबा ने हमें जब जब आंखें नहीं भी होती तो व्यक्ति देखता तो है, कान नहीं भी होते तो भी तो कुछ ना कुछ विधि से वो परसीव तो करता है और रिस्पॉन्ड भी करता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आत्मा है, आत्मा अंदर बैठकर सारे संसार को अनुभव करती है। और किस आधार से? मन बुद्धि संस्कार के आधार से। तो हम चाहें तो जो हम गीता में जो सुनते थे कि देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूलो, तो ये बहुत इजी हो गया अब, क्योंकि हमें पता है देह को, देह के संबंधों धर्मों को हम बुद्धि से अनुभव कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो बुद्धि इज़ लाइक अ मसल, है ना, जैसे आप हाथ को ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे बुद्धि को भी आप इनवर्ड या आउटवर्ड ले जा सकते हैं। इसी को हम शास्त्रों में कहते हैं अंतर्मुखता बाहर मुखता। तो आपके आपके ऊपर है, यू हैव अ चॉइस कि आप अंतर्मुखी रहे या बाहर मुखी रहे। अब मुख किसका है? बुद्धि का है। तो बाबा ने हमें ये सारी समझ दी। और जैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपको एक मशीन मिली, अब आपको पता है कि ये मशीन चॉपिंग करती है, आपको ये नहीं पता मशीन ग्राइंडिंग भी करती है, तो आप उसको सालों से सिर्फ चॉपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ग्राइंडिंग के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आपको इन्फॉर्मेशन होती है तो आप वो यूज़ करके देखते हैं और फिर आप बार बार यूज़ करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं तुम आज तक जानते ही नहीं थे कि बुद्धि को तुम अंदर भी खींच सकते हो, तुम हमेशा सोचते थे बुद्धि तो बाहर ही भटकने के लिए है। तो अब तुम्हें देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल बुद्धि को एकाग्र करना अपने पे आया। और फिर बाबा कहते जैसे डोनट होता है ना, तो इन अ डोनट व्हेन यू गो इन यू गो आउट ना, बड़ा बड़ा के अब अंदर जाएंगे तो आप बाहर भी जाएंगे, बिकॉज वो अंदर और बाहर सेम है। तो ऐसा है हमारा इनर वर्ल्ड, जब आप अंदर जाते हैं तो आप ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि बाहर जो स्पिरिचुअल रेलम है, फिजिकल से आप डिटैच हुए तो आप आत्मिक स्थिति में भी जाएंगे, आप बाबा से भी कनेक्ट करेंगे। तो बाबा कहते हैं और ये जो आत्मा जैसे ही देह से देह के सब धर्मों संबंधों को भूल आत्मिक स्थिति में बैठती है, तभी उसका कनेक्शन बाबा से हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ कनेक्शन यही है कि जिस कॉन्शियसनेस में आप हैं आप उसी से कनेक्ट करते हैं, है ना। जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, वो इस कॉन्शियसनेस में कि धंधा में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उस समय उसको पत्नी बच्चे किसी की बात सुनाई नहीं देती, सिर्फ क्लाइंट की बात सुनाई देती है ना। भले क्लाइंट फोन पे है, पत्नियाँ सिर पे चिल्ला रही है ना, लेकिन उसको वो नहीं सुनता, है ना, वो उसका गला दर्द हो चुका है बोल बोल के कि ये सब्जी ख़त्म हो गई है, ये राशन लाना है, ये यहाँ जाना है, उन्होंने इनवाइट किया है, वो सब उसको सुनाई नहीं देता। उसको वो धीमी आवाज़ जो कान में फ़ोन पे बोल रहा है ना, वो उसको ठीक सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन किससे होगा, आप रिसीव किससे करेंगे, वो आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर है। तो बाबा कहते जब तक तुम आत्मा नहीं समझोगे तो बाबा से तो कनेक्शन नहीं हो सकता। तो बाबा कहते ये जो विधि है अपने को न्यारा कर, बुद्धि बल से कैसे अलग हो, कैसे आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करें, और इसी विधि से विकर्म विनाश होते, और इसी विधि से हम विश्व जीत भी बनते, विश्व महाराजन विश्व महाराजनी जो हम कहते राजाओं का राजा, वो भी इसी विधि से बनते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते ये राजयोग तुम्हें और कोई नहीं सिखाता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है
कि भगवान आकर राजयोग सिखाता है, लेकिन आज तक हम ये नहीं क्लेम कर पाए हैं कि राजयोग शिव बाबा अभी सिखा रहे हैं। हम राजयोग अभी भी गीता का राजयोग, इसीलिए तो बाबा बार बार हमें कहते हैं ना, कभी आप सोचते हो बाबा क्यों कहते हैं कि बार बार प्रूव करो, सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव बाबा है? क्योंकि गीता में जो राजयोग सिखाया गया है वो शिव बाबा सिखा रहे हैं, और तुम्हें बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना है, लेकिन ये गीता का भगवान शिव बाबा नहीं है। इस कारण से राजयोग तक भी आत्माएं पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि राजयोग के नाम से कुछ है ना, वो दूसरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो चलती रहती है। तो ये है राजयोग के बारे में। दूसरा है हठ योग। तो हठ योग तो जो दुनिया में जो सन्यासी करते हैं, आज तक जब तक बाबा नहीं आए तो राजयोग का नाम सुनते थे, लेकिन योग सिर्फ हठ योग ही होता था, राजयोग किसी ने कभी किया नहीं है ना, कभी घर गृहस्थ में रहकर राजयोगी बने ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कहते थे कि जनक विदेही थे और गृहस्थ में थे, लेकिन गृहस्थी योगी नहीं होते थे पहले। तो बाबा कहते पहले योग माना घर बार छोड़ना। आज भी तो इसीलिए जैसे योगी बनते हैं तो व्यक्ति कहते हाँ मेरा बच्चा घर छोड़ के चला जाएगा है ना, या पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी क्योंकि योगी बन गए। तो हठ योग माना पहले घर छोड़ो फिर योग करो है ना। तो इसीलिए हठ योग में क्या होता है, हठ योग में वो कहते हैं शरीर को साधो है ना, क्योंकि संबंध तुमने छोड़ ही दिए, काम तुमने छोड़ ही दिया, तो अब योर ओनली प्रॉब्लम इज़ योर बॉडी है ना, क्योंकि बाकी तो सब तुमने वैसे फिजिकली छोड़ दिया। तो इसीलिए हठ योग में शरीर को साधने की बात होती है, इसलिए शरीर को कष्ट देना, शरीर को है ना टॉर्चर करना, उसको उसको क्या कहते हैं, उसको एक ऑस्टियर प्रैक्टिसेस, हठ योगा इज ऑल अबाउट ऑस्टियर प्रैक्टिसेस, जिसमें आपको थोड़ा शरीर को तकलीफ देनी है ना, क्योंकि हमें समझ आता है कि अब शरीर से लगाओ तो तब छूटेगा ना जब दुख देंगे है ना। तो इस कारण से हम हठ योग की ये अप्रोच होती है, लेकिन बाबा कहते वो हम वो भगवान नहीं सिखाते, वो मनुष्य आत्माओं का सिखाया हुआ योग है। और हाँ दमन करना, और दमन दमन करके वो समझते हैं कि जब शरीर को हर इंद्री को ऐसे टॉर्चर कर करके साध लेंगे तो फिर आत्मा न्यारी हो जाएगी है ना। तो ये है हठ योग। और फिर आज बाबा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा कहते तुम युद्ध के मैदान में हो। हाँ युद्ध के मैदान में हो। हाँ बाबा उस्ताद है और युद्ध के मैदान में हो, कभी भूल तो नहीं जाते हो युद्ध के मैदान में हो। हाँ एक बहुत अच्छी कोटेशन भी, वी आर एट वॉर कहते हैं, वी आर एट वॉर है ना। और युद्ध के मैदान में अगर ये ना पता हो कि आप युद्ध के मैदान में हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आप ना अलर्ट रहेंगे ना तैयार रहेंगे, और फिर क्या होता कि हम यही कहते रहेंगे हमने तो सोचा ही नहीं था, पता ही नहीं था, ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है। अरे पता नहीं था तो पता करो, मुरली नहीं सुनते हो क्या तुम, है ना। तो हम युद्ध के मैदान में हैं, बाबा हमें कहता है कि तुम अगर प्रिपेयर नहीं रह रहे हो, एक सेकंड भी अगर तुम अपनी सावधानी छोड़ रहे हो, तो माया तो वहीं पर ही तुम्हें अंगूरी लगा देगी। इसलिए तुम्हें हमेशा अलर्ट अवेयर रहना है, पता ही नहीं चलेगा कि कब पॉजिटिविटी से ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये तो विकार से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये व्यर्थ कब विकार में चला जाता है पता ही नहीं चलता है ना। आप एक चीज़ को एनालाइज करते करते कहाँ चले जाते हैं, राइट रॉन्ग क्यों क्या सब शुरू हो जाता है और पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते ये जो फुल स्टॉप लगाना है मुझे और बाबा से शक्ति लेकर उपराम होना है, ये अगर तैयारी हमेशा नहीं रह रही तो तुम्हें भूल जा रहे हो। अगर युद्ध के मैदान में रहना मतलब फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, अगर आपको पहले से पता है मैं युद्ध के मैदान में हूँ
तो आपको तैयारी करनी है ना। कभी ऐसा होता है कि युद्ध का टाइम हो और सैनिक ऐसे ढीले बैठे हों, नहीं, वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस में पूरे पक्के रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी तैयारी अच्छी रखना, ये है युद्ध के मैदान में होना। और उस्ताद मिला हुआ है तो ऐसा नहीं है कि तैयारी करेंगे और हार जाएंगे, वो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो है उसके साथ जीत हमेशा है, ठीक है। और फिर बाबा कहते स्नेह और सहयोग तो अच्छी बात है, पर शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा पौधा लगाया, तो पौधा तो बहुत अच्छा है, कोमल है, सुंदर है, लेकिन अगर उसको कीट कीटाणु वो पेस्ट से बचाया नहीं तो क्या होगा, है ना, खा जाएंगे, फिर कहेंगे कितना अच्छा मौसम था, कितनी मेहनत की, ये पेस्ट की ना ऐसे ही है, ये खा जाते हैं, है ना। लेकिन क्या आपके जो का ये जो क्रिएटिव वर्क है गार्डनिंग, उसका क्या ये हिस्सा नहीं है कि आप पेस्ट कंट्रोल भी करो, है ना। तो बाबा कहते कि ऐसे ही हम अच्छे बने अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं सोचना कि जब आप अच्छे बनेंगे तो आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, है ना। मैं जब ज्ञान में आई ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा बनने में क्या जाता है, अच्छा बनेंगे ना तो सब फूल मालाएं चढ़ाएंगे, है ना, जब आप ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो सब आके आपको वाह वाही करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सब बहुत खुश होंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। और जब शुरू शुरू में चैलेंजेस आए ना, तो मुझे लगा अम्मा ये क्या हो रहा है, तो कुछ और ही हो रहा है, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, भगवान की श्रीमत पे चल रहे हैं, तो चैलेंज क्यों आ रहे हैं। लेकिन बाबा कहते नियम यही है, रावण राज्य में श्रीमत पर चलोगे तो माया तो बहुत तंग करेगी। और बाबा कहते कि इसीलिए तुम्हें स्नेह सहयोग के साथ शक्ति भी चाहिए, अगर शक्ति नहीं है तो तुम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करोगे, है ना। और शक्ति माना किस शक्ति, किसको कहते हैं हम, शक्ति जो आपको स्टेबल रखे, क्योंकि हमारा दुश्मन कौन है, हमारी इंस्टेबिलिटी, हमारी कमजोरी, ठीक है। तो शक्ति हमें किस में चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं स्टेबल रहूं, मैं अपनी यात्रा में अचल अडोल रहूं, इसकी मुझे शक्ति चाहिए। हम पावर में बिलीव नहीं करते, हम एम्पावरमेंट में बिलीव करते। यू हैव टू बिलीव इन बीइंग एम्पावर्ड, ना, ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर शक्ति दिखानी है, दूसरे को नीचा, नहीं, आप शक्तिशाली हैं, आप स्थिर रहो उतना ही बहुत है, क्योंकि आप अगर उनके साथ लड़ेंगे जो नेगेटिव फोर्स है तो फिर वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो एक तो अपने आप नेगेटिव है, फिर आपके अटेंशन से वो और बढ़ेगा, है ना। इसीलिए कभी भी नेगेटिविटी को अपनी शक्ति नहीं देना, अपना अटेंशन देना ही अपनी शक्ति देना है। इसीलिए अपनी शक्ति माना अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए जो 8 शक्तियाँ बाबा ने दी हैं उनको यूज़ करना। ओके, ओम शांति।